यूनेस्को ने हाल ही में भारत की 6 साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के टेंटेटिव लिस्ट के अंदर या आपकी टेम्परेरी लिस्ट के अंदर आपको शामिल किया है। इस वीडियो में पवन चौधरी हम बात करेंगे उसी टेंटेटिव लिस्ट के बारे में और उसके बारे में, उसके अलावा यूनेस्को और वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बहुत ही कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस या विश्व धरोहर स्थल जो है वो होता क्या है? तो किसी भी यूनेस्को ने 1972 के अंदर, 1972 के अंदर एक जनरल कॉन्फ्रेंस की और उसका पर्पस था कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी प्रकार की आपके जो कल्चरल साइट्स हैं या दुनिया के अंदर जितने भी प्राकृतिक स्थल हैं, नेचुरल साइट्स हैं या मिक्स साइट है, उन साइट्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस यहाँ पर प्रदान करेगा ताकि उन साइट्स का जो प्रोटेक्शन है उनका संरक्षण किया जा सके। उसके लिए 1972 के अंदर यूनेस्को एक इंपॉर्टेंट जो वर्ल्ड हेरिटेज के लिए एक अलग से कॉन्फ्रेंस उनका होता है और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर 3 प्रकार की साइट्स यहां पर आपको तय की जाती है। अगर अभी हम बात करें भारत के अंदर, तो भारत के अंदर अभी 38 या 38 टोटल जो साइट्स हैं वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस के अंदर यहां पर आपको शामिल है, जिसमें से 30 जो साइट है वो कल्चरल साइट है, उसके बाद 60 साइट नेचुरल साइट है और 1 साइट जो है वो आपकी मिक्स क्राइटेरिया के अंदर या मिक्स स्टेटस के अंदर यहां पर आपको प्रदान की गई है। तो ये तो ऐसी 38 साइट है जो भारत के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस के अंदर यहां पर आपको प्रदान की गई है। उसके बाद भारत के अंदर बात करें तो भारत के अंदर दुनिया की 6 लार्जेस्ट नंबर ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको शामिल है। दुनिया में सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है वो चाइना के अंदर और इटली के अंदर है, दोनों देशों के अंदर 55 55 साइट्स शामिल है, जबकि भारत के अंदर जैसा आपको अभी बताया कि 38 जो साइट्स हैं, 38 साइट यहाँ पर आपको शामिल है। उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर इकलौते महाराष्ट्र के अंदर 5 साइट शामिल है जो सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाला जो है यहाँ पर आपका स्थल है। अब याद रखिएगा, इसके अंदर हम वर्ल्ड हेरिटेज जो सिटी है उन सिटीज की बात यहाँ पर आपको नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में या उन स्थलों के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते कि टेंटेटिव लिस्ट होता क्या है या इस लिस्ट का उपयोग कैसे किया जाता है, इसमें ऐड कैसे किया जाता है। तो किसी भी साइट को अगर वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस के अंदर आपको शामिल करना है तो सबसे पहले उसको एक टेंटेटिव लिस्ट के अंदर या एक तरीके से आप कह सकते हैं एक टेंपरेरी या एक ऑब्जर्वेशन की जो साइट है उसके अंदर आपको लिस्ट के अंदर आपको ऐड किया जाता है और उस लिस्ट में ऐड करके एक साल तक वहां पर देखा जाता है। जो वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस की जो कमिटी है या यूनेस्को जो है उसको पहले स्टेटस उसका देखती है कि वहां पर प्रोटेक्शन वगैरह प्रॉपर है या नहीं है और उसके बाद वो तय करती है कि किसी भी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस को शामिल करना है या नहीं करना है। तो एक साल तक जो भी देश है, जैसे भारत है, तो भारत ने अभी के समय में 9 साइट्स के लिए अप्लाई किया था, लेकिन 9 साइट्स में से 6 साइट भारत की वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस के टेंटेटिव लिस्ट के अंदर यहां पर आपको शामिल की गई। अब एक साल तक भारत को उस लिस्ट के अंदर उसको रखना पड़ेगा, उन चीज़ों का प्रॉपर प्रोटेक्शन करना पड़ेगा और उसके बाद एक साल बाद वर्ल्ड हेरिटेज की जो कमेटी है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी तय करेगी कि उन लिस्ट को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस यहाँ पर आपको शामिल किया जाए या नहीं किया जाए। तो क्या जरूरी है कि जो भी लिस्ट शामिल की जाती है, जो भी साइट शामिल की जाती है, उसको ऐड करना ही पड़ता है? ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जो अगर यूनेस्को को लगता है तो उसको यहाँ पर आपको ऐड किया जा सकता है। तो क्या इसके पहले मध्य प्रदेश की कोई और साइट यहाँ पर शामिल की गई थी? अभी टेंटेटिव लिस्ट के अंदर भारत की 48 लिस्ट जो है, 48 आपकी जो साइट हैं ऑलरेडी आपको शामिल है और उनमें से अभी अभी मिला के अभी वाली साइट्स हैं उनको मिला के 48 साइट यहां पे शामिल है। इसके पहले मध्य प्रदेश से आपके जो मांडू के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, मांडू के जो स्मारक हैं, उनको 1998 में भारत सरकार ने वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस के लिए शामिल किया था टेंटेटिव लिस्ट में और अभी भी वो टेंटेटिव लिस्ट के अंदर आपको शामिल है। 2019 के अंदर ओरछा के जो किले हैं या उन किलों को या वहां के जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं उनको वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस के लिए अप्लाई किया था, जो स्टेटस अभी तक नहीं मिला है। खैर, जो ओरछा है उसको वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का स्टेटस जो है ऑलरेडी यहां पर आपको मिल चुका है। तो अभी के समय में जो लिस्ट है, कौन कौन से लिस्ट अभी के समय में 2021 के अंदर आपको ऐड की गई है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के अंदर आपको स्थित है, उस नेचुरल साइट के अंदर या प्राकृतिक साइट के लिए उसको अप्लाई किया गया है, टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। दूसरा जो है मध्य प्रदेश का ही आपका भेड़ाघाट और आपका लमेटा घाट जबलपुर, ये दोनों आपके भेड़ाघाट और लमेटा घाट, वहां पे काफी सुंदर मार्बल के रॉक्स है जो नर्मदा वहां से आपको फ्लो करती है। और एक बात और याद रखिएगा कि भेड़ाघाट और लमेटा घाट जो है इनके अंदर एक पार्क एस्टेब्लिश होने वाला है, इट्स कॉल्ड द जियो पार्क। और ये जियो पार्क है, ये देश का पहला जियो पार्क है जिसके अंदर आपके डायनासोर्स वगैरह हैं, उनके फॉसिल्स वगैरह हैं, उनका स्टडी किया जाएगा। तो उसके अंदर भी जियो पार्क तो शामिल है ही है, साथ ही वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस के लिए भी इसको अप्लाई किया गया। तीसरा जो है वो घाट ऑफ वाराणसी है, वाराणसी के घाट है। चौथा जो है मेगालिथिक साइट ऑफ आपके हीरे बंगाल की मेगालिथिक या फिर आपकी वहां के पुरापाषाण काल की कुछ साइट शामिल है। उसके बाद मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर है आपके महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र
कई सारे किले हैं आपके, जैसे अलग अलग मराठा के समय के या शिवाजी के समय के, उनके बाद के समय में, तो वो जो किले हैं उनको वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस के अंदर शामिल किया गया है। उसके अलावा राजस्थान के जो फोर्ट हैं, राजस्थान के जो किले हैं, उनको भी वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज का जो स्टेटस है उसके लिए राजस्थान के रणथंबोर, चित्तौड़ और बाकी जो किले हैं उनको भी एक साथ स्टेटस यहाँ पर आपको प्रदान किया गया था। उसी प्रकार से यहाँ पर मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर है उसको इस टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। और उसके बाद टेम्पल ऑफ जो कांचीपुरम है, कांचीपुरम के जो मंदिर है, मंदिरों को भी यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में आपको शामिल किया गया है। तो 9 साइट्स भारत ने अप्लाई की थी जिसमें 6 साइट्स को जो स्टेटस है वो स्टेटस यहां पर आपको प्रदान किया गया है। अब उसके बाद मध्य प्रदेश की स्पेसिफिकली बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर अभी 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट शामिल है। एक सांची है जिसको 1989 के अंदर शामिल किया गया और रायसेन जिले के अंदर लोकेटेड है। उसके बाद भीमबेटका है, 2003 के अंदर WHS में शामिल किया गया, रायसेन जिले के अंदर ये भी स्थित है। खजुराहो है 1986 के अंदर, छतरपुर जिले के अंदर आपका लोकेटेड है। तो 3 साइट्स ऑलरेडी मध्य प्रदेश के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। और वर्ल्ड हेरिटेज सिटी जो है शहर के लिए, तो ग्वालियर शहर को 2020 के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया गया। और उसी के साथ में ओरछा जो है इसको 2020 के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है उस सिटी के अंदर यहाँ पर आपको शामिल किया गया। तो ये बात हुई शॉर्ट में, या हमने ब्रीफ में थोड़ा सा देखा कि ये कौन कौन से साइट्स हैं, उनको स्टेटस कैसे दिया जाता है। आने वाले वीडियोस के अंदर जितनी भी जो 6 साइट मैंने आपको बताई थी इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और आने वाले टाइम में अगर आप चाहते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की हर साइट को मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूं या डिटेल में वीडियो बनाऊं उसके लिए, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर उसके लिए बोल सकते हैं। या और भी कोई आप वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन के अंदर आप बोल सकते हैं। अब उसी के साथ में एज यू नो कि अनअकैडमी पर मैं आपको पढ़ाता हूं, अनअकैडमी पर MBPSC के लिए 3 इंपॉर्टेंट कोर्सेज चल रहे हैं। MBPSC मेंस पेपर 3 का एक कोर्स चल रहा है जिसपे पूरा पेपर 3 का कोर्स है, मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। कंप्लीट कोर्स ऑन द पेपर 2 के ऊपर चल रहा है जिसमें पेपर 2 का पूरा सिलेबस कराऊंगा, पार्ट ए हो चुका है, पार्ट बी बाकी है। और उसके साथ में मेंस पेपर 1 पार्ट बी मतलब ज्योग्राफी वाला पार्ट जो है ऑलरेडी यहां पर आपको रनिंग है। इन कोर्सेज के लिए आपको क्या करना है, इन कोर्सेज के लिए आपको मेरा जो कोड है पवन लाइव, इस पवन लाइव का कोड का यूज करना है। एंड इफ यू आर यूजिंग दिस कोड यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन द प्लस कोर्सेज पे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके अलावा अभी अनअकैडमी पर 2 इंपॉर्टेंट ऑफर्स चल रहे हैं। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं 12 मंथ का, उसके साथ में आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फी मिलेगा। और अब अगर 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है एड ऑन के रूप में या एक्स्ट्रा यहां पर आपको ऐड मिलेगा। याद रखिएगा ये जो एड ऑन सब्सक्रिप्शन है ये आपको कुछ समय के अंदर आपके अकाउंट के अंदर यहां पर आपको ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ्री और प्लस 2 प्रकार की क्लासेस होती है, नीचे मैं आपको लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाके आप मुझे फॉलो करके मेरी जो स्पेशल क्लासेस हैं उन स्पेशल क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा हर मंडे टू फ्राइडे T20 सीरीज हमारा चल रहा है, 8 महीने का एक फाउंडेशन बैच जो है 19 तारीख से मतलब 2 दिन पहले ही आपका लॉन्च हुआ है। और इसके अंदर आपके MP के जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो आपको पूरा MBPSC का सिलेबस जो है सिलेबस आपको कंप्लीट करवाने वाले हैं, ठीक है। तो गो एंड टेक अ प्लस सब्सक्रिप्शन, और अभी जो ऑफर चल रहा है इस ऑफर का जरूर उपयोग कीजिएगा। थैंक यू।